देखिए अभी एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दीर्घित अवधान के किसी दो संज्ञानात्मक सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। दीर्घित अवधान के किसी दो संज्ञानात्मक सिद्धांत की, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है हमारा प्रत्याशा सिद्धांत, तो दूसरा है जेरिसन का सिद्धांत, तीसरा है संकेत पहचान सिद्धांत या फिर संकेत अभिज्ञान सिद्धांत, जिसके एक वीडियो इसमें ही पढ़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए और हम इस का आंसर जो है, ये जिसमें दो ही हमें पहचान दो सिद्धांत है उनकी व्याख्या करनी है आलोचनात्मक, तो पहला है हमारा प्रत्याशा सिद्धांत और दूसरा हम करेंगे जेरिसन के सिद्धांत का। प्रत्याशा सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत में जेरिसन तथा पिकेट द्वारा बतलाए गए उन तीन बिंदुओं में से प्रथम बिंदु अर्थात पृष्ठभूमि सूचनाओं के संचयन पर अधिक बल डालते हुए दीर्घित अवधान की व्याख्या करने की कोशिश की है। संकेत जिसकी पहचान दीर्घित अवधान के दौरान करनी होती है के बारे में अधिक संचित सूचनाओं तथा उन सूचनाओं जिनमें संकेत उपस्थित हो सकता है कि सूचनाओं की अहम भूमिका होती है। प्रत्याशा सिद्धांत जिस पर बेकर तथा डीज ने भी अधिक बल डाला है के अनुसार निगरानी प्रयोगों के विभिन्न प्रयासों में विवेचित संकेत के विभिन्न समयों में उपस्थिति के आधार पर प्रायोजक एक विशेष तरह का प्रत्याशा विकसित करता है, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि आने वाले प्रयासों में विवेचित संकेत किस समय उपस्थित हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार संकेत का सही पहचान करने की तत्परता इस प्रत्याशा स्तर से धनात्मक रूप से संबंधित होता है। इस सिद्धांत की मान्यता यह भी है कि निगरानी प्रयोगों में प्रयोज्यों द्वारा संकेत पहचान के निष्पादन में धीरे धीरे कमी आ जाती है, जिसके कारण विवेचित संकेत की उपस्थिति के सही समय के बारे में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में उत्तरोत्तर कमी होता है। इस जब प्रायोज्यों को संकेत के पहचान से संबंधित परिणाम ज्ञान प्रत्येक प्रयास में दिया जाता है, तो इसके अनेक प्रत्याशा की परिशुद्धता में वृद्धि आ जाती है तथा उसके निष्पादन ह्रास में कमी आ जाती है। प्रत्याशा सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भविष्य कथन यह है कि निगरानी कार्य तथा दीर्घकृत कार्य में निपुणता को प्रायोज्य के नियमित अनिश्चितता में कमी लाकर उन्नत बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जब प्रायोज्य को यह मालूम हो कि सही संकेत किस समय अर्थात प्रयोग के प्रारंभ मध्य तथा अंत में दिया जाएगा, तो इस संकेत के सही पहचान करने में की उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। इस तथ्य की संपुष्टि वेलकर ने अपने अध्ययन में किया गया प्रत्याशा सिद्धांत के प्रयोगात्मक समर्थन उन मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी की गई है जिसने अपने अध्ययन में यह पाया है कि निगरानी की प्रशिक्षण अवस्था के दौरान जिन प्रायोज्यों के संकेत उपस्थिति का अधिक अनुभव किया वे बाद की जाँच अवस्थाओं में उन प्रायोज्यों की तुलना में अधिक उत्तम निष्पादन दिखलाए जिन्हें प्रारंभ के प्रशिक्षण अवस्था में संकेत उपस्थिति का अनुभव अधिक नहीं कराया गया। उन मनोवैज्ञानिकों में मैकफारलैंड, मालकोव तथा कोकलोन एवं वेंडले का नाम अधिक महसूस। व्यापक प्रयोगात्मक समर्थन के बावजूद प्रत्याशा सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की गई और आइए अब हम आलोचनात्मक व्याख्या भी इसकी कर ही लेते हैं। पहला है प्रत्याशा सिद्धांत द्वारा सभी तरह के निगरानी कार्यों या दीर्घित अवधान कार्यों की संतोषजनक व्याख्या नहीं हो पाती। जैसे मुरे एवं ग्रास ने अपने अध्ययन में पाया है ऐसे कार्यों का प्रयोज्य सिर्फ सामयिक औसतन का ही उपयोग कर विशेष प्रत्याशा के निर्माण में नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा कई तरह के और भी व्यवहार में करते हैं जिसका वर्णन इस सिद्धांत में नहीं। दूसरा है इस सिद्धांत के अनुसार परिणाम ज्ञान या पुनर्निवेशन के प्रायोज्य के ऊपर अभिप्रेरणात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी प्रत्याशा क्षमता में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि वह सही उद्दीपक या संकेत का पहचान करने में असमर्थ हो जाता है। आलोचकों ने इस सिद्धांत के दावे को अतिरंजित कहकर ठुकरा दिया है। तीसरा है यदि यह सिद्धांत सही है तो संकेत उत्पक की उपस्थिति के समय का आकलन निगरानी कार्य कुशलता से संबंध होना चाहिए, अर्थात यदि प्रयोग संकेत के उपस्थित होने के समय का आकलन सही सही नहीं कर पाता है तो इसे निगरानी कार्य का निष्पादन उत्तम होना चाहिए। उपयुक्त आलोचनाओं के
आलोक से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यदि प्रत्याशा विकास के घटना दीर्घकृत अवदान में योगदान करता है परंतु इसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे डेविस का मत है कि अगर प्रायोजकों को दिया गया कार्य कठिन लगता है तो उसके सही समाधान के लिए इसके पास कोई अन्य उपाय नहीं मिलता है। दूसरा है जेरिसन का सिद्धांत। दीर्घकृत अवधान के इस सिद्धांत के प्रतिपादन जेरिसन द्वारा 1970 में किया गया। इस सिद्धांत के दीर्घकृत अवधान तथा प्रायोजकों द्वारा संकेत की सही पहचान करने के दौरान किया गया। व्यवहार जिसे प्रेक्षण व्यवहार कहा जाता है के बीच जटिल संबंध होने की कल्पना की जाती है। प्रेक्षण व्यवहार प्रायोजकों के निर्णय प्रक्रिया की निगरानी की प्रक्रिया के आपस में जटिल संबंध पर इस सिद्धांत में प्रकाश डाला गया। इस सिद्धांत को उत्पन्न प्रेक्षण दर प्रकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्रायोजक किसी निगरानी कार्य या दीर्घकृत अवधान कार्य में व्यस्त होता है तो उसे वह सामने उपस्थित उद्दीपक के बारे में प्रेक्षण अनुक्रियाएं करेगा या नहीं इस बारे में एक एक करके कई निर्णय लेता है। इस तरह की अनुक्रियाओं को इस सिद्धांत में एक एक एकाग्र कार्य कहा जाता है। इस तरह के कार्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा की गई कुछ वैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनमें संकेत या उद्दीपक के बारे में प्राप्त सूचनाओं का संसाधित किया जाता है। इन सिद्धांत के अनुसार दीर्घकृत अवधान के दौरान विवेचित संकेत का सही सही पहचान करना प्रायोजकों द्वारा किए गए प्रेक्षण अनुक्रियाओं पर निर्भर करती है। यदि किसी कारण प्रायोजक का प्रेक्षण अनुक्रियाओं को ठीक ठीक ढंग से नहीं कर पाता है या उसे अधूरा ढंग से कर पाता है वह विवेचित संकेत की पहचान करने में सफल नहीं हो पाता है तथा दीर्घकृत अवधान कार्य के निष्पादन में ह्रास होने लगता है। सिद्धांत इस बात पर भी बल डालता है कि जब प्रायोजक लक्ष्य वस्तु जिसकी पहचान करना है पर ध्यान देता है तो इसकी कीमत या लागत भी उसे चुकाना पड़ता है। वह थकान अवरोध तथा ध्यान देने के अभिप्रेरण में कमी आदि के रूप में कीमत चुकाता है। परंतु जब दीर्घकृत अवधान के दौरान विवेचित संकेत की पहचान करने में सफल हो जाता है तो प्रसन्न एवं उत्साहित होता है जो एक तरह का उसके लिए इनाम होता है। प्रायोजक दीर्घकृत अवधान के दौरान प्रेक्षण व्यवहार करेगा या नहीं करेगा यह बहुत कुछ इसके इनाम या लागत पर निर्भर करता है। यद्यपि जेरिसन का मॉडल साधारण सरल है फिर भी आलोचनात्मक आलोचकों का मत है कि यह मॉडल पूर्ण महत्वपूर्ण आशय का प्रयोगात्मक जांच करना कठिन है क्योंकि सिद्धांत के प्रेक्षण व्यवहार के आंतरिक स्वभाव के स्वरूप की सही से व्याख्या नहीं की गई है। दीर्घकृत अवधान के दौरान प्रायोजकों द्वारा विवेचित संकेत की पहचान के दौरान एक प्रेक्षण व्यवहार का व्यवहार आंतरिक रूप से कैसा होता है स्पष्ट नहीं हो पाया। आलोचकों का मत है एकांकी एकाग्र क्रिया के स्वरूप की व्याख्या भी संतोषजनक नहीं है। इन आलोचनाओं को जेरिसन द्वारा लगभग स्वीकार कर लिया गया है। वे इन सभी आलोचनाओं के आलोक में अपने मॉडल के पर्याप्त परिमार्जन करने में लगे हुए हैं।